अब हम देखेंगे भागफल का आकलन। अभी तक हमने योगफल का देखा, आकलन, अंतर का देखा, फिर गुणनफल का देखा। अब हम देखेंगे भागफल का आकलन। उदाहरण दिया हुआ है 62/26। संख्या को लिख देंगे और 10 के निकटतम मान लिखेंगे। इन संख्या के 10 के निकटतम मानों को लिखेंगे। 62 के निकटतम क्या होगा? 60। और 26 किसके निकट है? 30 के। तो आकलित संख्या हो गई ये दोनों संख्या क्या हो गई? आकलित संख्या और ये वास्तविक संख्या। पहले आकलित संख्या का भागफल देखेंगे, फिर वास्तविक संख्या का भागफल। आकलित संख्या क्या है? 30 और 60। 30/60, 30 को 60 से भाग करेंगे कितना आएगा भागफल? 2। वैसे ही वास्तविक संख्या दी हुई है 62/26। तो 26 को हमें किससे भाग करना है? 62 को भाग करना है किससे? 26 से। 26 दूनी कितना होता है? 52। तो 52 लिख देंगे। 2 0 हो जाएगा माइनस होके, और 6 में 5 माइनस हुआ तो कितना बचा? 10। तो ये बच गया शेष फल। लेकिन दोनों का भागफल कितना आया है? सेम आया है, 2 आया है, मतलब 2 आया है ना, सेम आया। और वैसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, 256/26। 256/26, ये 256 जो है 300 के करीब है और 26 जो है 30 के करीब है। तो 300 को 30 से भाग देने पर क्या आएगा? आकलित भाग क्या मिलेगा हमें? 30/300। 30 दहम 300 कितना होता है? 30 दहम 300 कितना आया आंसर? 10। वैसे ही अब वास्तविक संख्या क्या है? 256/26। 26 को 256 से हमें भाग करना है, वो हो गई वास्तविक संख्या। तो देखते हैं कि वास्तविक संख्या का भाग करने पर क्या आता है। 26 को भाग करना है किससे? 356 से। तो 26 में देखते हैं कि 26 को पहाड़ा इतना पढ़ो कि 35 से ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं, तो 26 से कम, 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52 जो है ज़्यादा हो जाएगा 26 से, इसलिए 26 से कम 26। 15 में 6 गया तो 6, और सॉरी 26 लिखेंगे, है ना। तो कितना आया? 356 को भाग करना है किससे? 26 से 356 को। तो 26 एकम 26, 15 में 6 गया तो 9, और ये हो गया 2 में 2 गया तो 0। 6 को लेंगे नीचे। अब 26 3 78, 16 में 8 गया तो 8, और ये हो गया 8। 8 में 7 गया तो 1, शेष फल 18 क्या बचा? शेष फल। ये है भागफल, है ना। तो वास्तविक भागफल क्या आया? 13। आकलित भागफल था 10, वास्तविक भागफल आया 13, जो कि 10 के बहुत करीब है, के बहुत करीब है। भागफल का आकलन करो। यहाँ पे कुछ भागफल दिए हुए हैं, भाग करने के लिए दिए हुए हैं, उन्हें हमें भागफल का आकलन करना है। पहले क्या? आकलित संख्या निकालना है, फिर वास्तविक संख्या और आकलित संख्या दोनों को एक भाग करना है। देखना है कि कौन सा दोनों ज़्यादा करीब है कि नहीं है। पहला क्या है? 78/28। 78/28 संख्या लिख लेते हैं पहले, और 10 के निकटतम मान, निकटतम मान, है ना। तो संख्या है 78, 10 के निकटतम मान कितना होगा? 80। और ये दूसरा संख्या 28 जो 30 के करीब है ना, 28 जो 30 के करीब है, 78 जो 80 के करीब है। तो ये हो गई आकलित संख्या, ये हो गई वास्तविक संख्या। आकलित भागफल क्या होगा? अस्सी भागित 30। 30 को 80 से भाग करना है, 80 को 30 से भाग करना है,
तो 30 का पारा वहाँ तक तो पढ़ो जो 80 से ज़्यादा ना हो। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो 30 दूनी 60 दो, 20 आया कितना शेषफल। अब वास्तविक संख्या का भागफल देखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? 78 और 28, 78 भागित 28, 28 78, 28 भागित 78, 28 एकम 28, 28 दूनी 54, 26, 28 दूनी 56, दूनी 56, 28 दिया कितना हो जाता है 84, वो जो है 78 से बड़ा हो जाएगा, तो 28 दूनी 56 आया। 8 में 6 गया तो 2, 5, 7 में 2 गया, 5 गया तो 2, ये बचा क्या शेषफल। अब इसका भागफल आया 2 और आखिरी संख्या का भागफल आया 2 और वास्तविक भागफल भी आया 2, दोनों क्या है सेम है। ऐसे ही 75 भागित 21 करके देखते हैं, दूसरा क्या है 75 भागित 21 संख्या लिख लेते हैं, और 10 का निकटतम मान देख लेते हैं, 75 और 21, 10 का निकटतम मान क्या होगा 75 का निकटतम मान होगा 80 और 21 का निकटतम मान होगा 20। अब ये हो गया आकलित संख्या और ये हो गई वास्तविक संख्या, तो आकलित भागफल क्या होगा, अस्सी भागित 20, 20 80, 20 चौक 80, और वास्तविक भाग क्या होगा, भागफल क्या होगा, वास्तविक भागफल, वास्तविक संख्या है क्या 75 और 21, 75 भागित 21, 21 75, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 दिया 63, 21 दिया 63, 5 में 2 गया तो, सॉरी 5 में 3 गया तो 2, 1, ये बच गया क्या शेषफल, और ये है भागफल। आकलित भागफल कितना आया है 4, जो वास्तविक भागफल के, भागफल कितना है वास्तविक भागफल 3 के करीब है ना, 3 और 4 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही का डिफरेंस है, तो आकलित भागफल हमको क्या मिला था, आकलित भागफल मिला है 4 और वास्तविक भागफल मिला है 3, तो क्या है भागफल, आकलित भागफल वास्तविक भागफल के करीब है ना। अब वैसे ही इन दोनों का भी हमें मान निकालना है, और मतलब वास्तविक आकलित संख्या निकालनी है, आकलित संख्याओं का भागफल करना है, फिर वास्तविक संख्या का भागफल करना है, और उसके बाद देखना है कि करीब है या नहीं है। अब अभ्यास देखना है, अभ्यास में क्या कह रहा है करने के लिए वो हमें करना है। पहला हम क्या लिया है, अब अपने मन से 5 से अधिक अंकों वाली कई संख्या बनाओ, 5 से अधिक अंक होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, 1 2 3 4 5, अब ये कितना है 10,000 से ज़्यादा बड़ी, 10,000 के बाद वाली जितनी भी संख्याएं हैं 5 अंकों वाली, उन्हें हमें क्या करना है 5 ठो संख्या बनाना है। इन सभी संख्याओं को शब्दों में भी लिखो, और इन सभी संख्याओं जो हम संख्या बनाएंगे अपने मन से 5 अंकों की संख्या से अधिक संख्या, उन्हें क्या करना है हमें उनके संख्याओं को भी लिखना, संख्याओं को अंकों में लिखना है। अपनी बनाई हुई संख्या अपने साथियों को भी दिखाओ कि इसने सबसे अधिक संख्या बनाई है, उसे देखो है ना।
अब अपनी बनाई संख्याओं में से तीन तीन संख्याओं के समूह बनाओ। अब जितनी भी संख्या हमने बनाई है उसमें के तीन संख्या और तीन संख्या के दो समूह बनाना है। प्रत्येक समूह की संख्याओं को आरोही एवं अवरोही क्रम में जमाओ। घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में हमें लिखना है ना, और अपने शिक्षक को दिखाओ। जो तुमने संख्याएं बनाई हैं उनके अंकों के स्थानीय मान लिखो। अंकों के स्थानीय मान हमने पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाला टेबल बनाना। वैसा हमें उन संख्या जो हमने बनाई है उनका हमें स्थानीय मान भी लिखना है और संख्याओं का विस्तारित रूप भी लिखना है। विस्तारित रूप भी लिखना है, जैसे कि 1 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, ऐसे करके हमें विस्तारित रूप भी लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।